नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। मुंबई में कोरोना की लहर के दौरान हुए कोविड सेंटर घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने 15 जगहों पर छापेमारी की है। जिन लोगों के घरों पर छापे पड़े हैं उनमें कुछ पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी भी हैं। वहीं बीएमसी के कुछ बड़े अधिकारियों के घरों पर भी छापे की कार्रवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने एक आईएएस अधिकारी के घर पर भी छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं उनमें सूरज चौहान भी शामिल है। सूरज चौहान शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सचिव, उनके चेंबूर स्थित घर पर ईडी ने छापेमारी की है। सूरज ठाकरे परिवार के बहुत ही करीबी हैं। बता दें कि पिछले साल बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज के 4 पार्टनर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि कोविड सेंटर बनाने के लिए एक ऐसी फर्म को ठेका दिया गया है जिसके पास किसी तरह की मेडिकल सर्विस देने का कोई अनुभव ही नहीं है। सोमैया का आरोप था कि जाली दस्तावेजों के आधार पर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।